क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, अभी कम से कम 27-28 साल नहर बंधी हुआ हुआ, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। नहर का सही ढंग से बना भी नहीं है। ये बांध कब बना था? 80-85 के। इस बांध बनने से आपको फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं। कैनाल से पानी मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ पर 1985 में एक बांध बना था, जिसके कैनाल के मुआवजा आज तक नहीं मिला है, और ना ही इस कैनाल से लोगों को कोई फायदा मिल रहा है। हमारा सिंचाई भी सही ढंग से हो नहीं रहा है, और बड़ी समस्या है, क्योंकि हमको पैसा तो आ चुके हैं कैनाल के, जो 100 लोगों का दबा गया है तो वो निकल चुके हैं कहते हैं, लेकिन उसको पुराने रेट में कहते हैं ना, हमको चाहिए अब नया रेट के लिए। इसलिए नहर को सही ढंग से बनवाया जाए, ताकि हमारा सिंचित हो जाए, ताकि हमारा भी उपयोग होने लगा। कितने लोगों की जमीन दबी है? 80-90 आदमी की जमीन है भाई। ग्राम सरौली हरटीपुर में बांध के कैनाल में 100 किसानों की दबी जमीन का मुआवजा न मिलने और बांध के कैनाल की मरम्मत न होने से किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिसको लेकर के मैंने 10/3/2014 को मुद्दा वीडियो बनाया था, जिसमें फरवरी 2018 से मुआवजा मिलना शुरू हो गया। जैसे ये सरौली बांध के मुआवजा को लेकर जो समस्या थी, उसके बारे में कैसे पता चला था? मुझे वो सरोज परस्ते के द्वारा वो वीडियो दिखाया गया, और उसमें उन्होंने बताया कि इन लोगों की समस्या है मुआवजा राशि के संबंध में। तो आपने क्या प्रयास किया बदलाव के लिए? मैंने उनके सहयोग के लिए, जो अमित सोनी बाबू है, उसको जो वर्जन की राशि के संबंध में जो देख रहे थे कार्य, उनके उनसे आपको सोमवार सर्वोच्च परिस्थिति को मिलवाया, तो उन्होंने फिर पूरी मदद की, और उस पूरे जो कृषक थे भूवर्जन से संबंधित, उनकी पूरी सूची वगैरह निकाल करके और सर्वोच्च परिस्थिति के हस्ते दी गई, और उनमें से लगभग पूर्ण रूप से सभी कृषकों के खाते में राशि जा चुकी है। भैया, कैनाल में जो जमीन दबी थी उसका मुआवजा मिल गया आपको? मिल गया। कितना मिला है? 19,000 करीब। पानी चला है तो अच्छा, गेहूँ मसरी अच्छा जम रहा है, और फसल भी अच्छा है, फसल भी अच्छा है। अपराध आखिरकार मुआवजा और कैनाल की मरम्मत होने से यहाँ के किसानों की सिंचाई सुविधा हो ही गई। मैं सरोज परस्ते, ग्राम सरौली हरटीपुर, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।